स्टूडेंट, हम लोग के कल जो पढ़े थे उसमें था हर का परिमेयीकरण। आज घातांक के नियम को पढ़ेंगे। जैसे घातांक का इसका फॉर्मूला है, इसको लिख लेना और याद कर लेना। पहला है, किसी संख्या का पावर जीरो हो तो उसका मान एक होता है। एट टू दी पावर जीरो इज इक्वल टू वन। एट टू दी पावर वन किसी संख्या का पावर एक है तो उसका मान वन होता है। ए टू दी पावर एन गुण ए टू दी पावर एन बराबर ए टू दी पावर एन प्लस ए। मतलब यदि दोनों संख्या बराबर है और दोनों का पावर अलग अलग है तो उसको पावर को माने घातांक को जोड़ दिया जाता है। उसी तरह से यदि भाग है तो घातांक को घटा दिया जाता है। ए के पावर एन बटे ए के पावर एन इज इक्वल टू ए के पावर एन माइनस एन। इसी तरह से पावर का पावर है, जैसे ए टू दी पावर एन टू दी पावर एन, तो दोनों घातांकों को गुणा कर दिया जाता है ए के पावर एन गुणे एन। यदि किसी संख्या का घातांक माइनस वन है तो उसको बट्टा में लिखेंगे तो ये धनात्मक हो जाएगा, माइनस वन बराबर एक बट्टा ए हो गया। इसी तरह से ए के पावर एन बराबर एक बटे ए के पावर, ये माइनस एन है तो यहाँ प्लस एन हो गया। ए के पावर एन इंटू बी के पावर एन, ये दोनों अलग अलग संख्या लेकिन घात एक ही है, इसलिए ए गुणे बी के पावर एन हो गया। ए बटे बी का पावर एन, ए और बी है इसका पावर एन, इसको ए के पावर एन इंटू ए के पावर बी के पावर एन भी लिख सकते हैं। किसी भी संख्या का घातांक एक बटे दो है तो उसको रूट ए रूट में लिख सकते हैं। और यहाँ एन रूट एन ए के पावर एन बराबर ए के पावर एन बटे एन। अब इस पर कुछ क्वेश्चन है, दो के पावर तीन गुणे दो के पावर पाँच, आधार दोनों का एक ही है तो है लेकिन घातांक अलग अलग है, तो नियम से तीन जोड़ पाँच, तीन जोड़ दो के पावर तीन जोड़ पाँच हो गया बराबर दो के पावर आठ, ये आंसर है। इसी तरह से सोलह का पावर एक बटे चार, तो सोलह को हम लिख सकते हैं दो के पावर चार, दो गुने दो गुने दो गुने दो, सोलह होता है दो के पावर चार, और इसका पावर एक बटे चार है तो चार चार कट गया, गुना हुआ नियम से तो हो गया दो। इसी तरह से चार के पावर दो और दो के पावर चार, तो दो के पावर चार को हम लिख सकते हैं दो स्क्वायर, दो स्क्वायर का स्क्वायर बराबर दो के पावर चार गुने यहाँ दो के पावर चार, दो के पावर चार प्लस चार दो के पावर आठ। इसी तरह से फोर रूट एटी वन का, एटी वन का इक्यासी का पावर एक बटे चार हुआ, ये है इसलिए बटा चार हुआ। इक्यासी को तीन गुण तीन गुण तीन गुण तीन लिख सकते हैं, तीन दिया नौ, नौ दिया सत्ताईस, सत्ताईस दिया इक्यासी, इक्यासी का पावर एक बटे चार, तो ऐसे लिख सकते हैं तीन चार का है, तीन का पावर चार गुण एक बटे चार, चार चार कैंसिल हो गया, तीन के पावर एक बराबर तीन, यह आंसर हुआ। इस तरह से कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा जिसको तुम लोग सॉल्व करना चाहेंगे।